फिर हम लोग के लिए। चलो कौन चलना चलते हैं, चलो। The state of Tripura. Tripura with its exotic wildlife and natural beauty is an untouched gem. That is the reason. नीला वाला और बाकी दो 30 रुपीस का। 30 रुपीस और ये येलो? येलो कितने में होगा? दोनों 30 रुपीस। ये दो। थैंक यू। मैंने ऑर्डर किया बाजी मूवी टू और ये। बोनस पॉइंट लो। हाँ नॉक आउट। ऊपर से जाना। हाँ ऊपर से जाना। वो हॉस्टल का पीछे से। हाँ अपना हॉस्टल में। तो हेलो गाइस, आप लोग को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है वापस। आज का ब्लॉग होने वाला है कि हम लोग आज जाएगा, आज से प्रोग्राम है, 3 दिन का प्रोग्राम है, नाक का प्रोग्राम जो कि कॉलेज रैंकिंग का प्रोग्राम होगा। तो आज होगा, आज हम लोग कॉलेज जाएगा, उसके बाद हम लोग आप लोग को मेरा कॉलेज दिखाएगा क्या क्या है, कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा डिपार्टमेंट रहते हैं। तो वहाँ पे जाके हम लोग का प्रैक्टिस भी होगा, रिहर्सल भी होगा। हम लोग का प्रोग्राम तो कल होगा, कल नाचना पड़ेगा, लेकिन आज रिहर्सल करना होगा, उसके बाद रिहर्सल दिखाएगा। तो हम लोग का माइक्रो बाजू की तरफ से एक ट्राइबल स्टॉल खुला हुआ है, वहाँ पे उन लोग का इंटरव्यू लगेगा, क्या क्या बनाया, क्या क्या नहीं बनाया। तो उस वहाँ पे ख़त्म करते हैं, रात का व्यू दिखाएगा आप लोग को, यूनिवर्सिटी कैसे देखते हैं। तो निकलते हैं अभी सीधा यूनिवर्सिटी की तरफ निकलते हैं। वेलकम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये है फर्स्ट गेट, यही है गेट, असली गेट। बहुत ज़ोर ज़ोर से काम चल रहा है यहाँ पर, इसको माना जाते हैं गांधी जी रोड। यह गेट नंबर 1, जो कि दूसरा रास्ता है, पीछे का रास्ता, मेन गेट नहीं है ये। यह का ये प्रॉब्लम कि यहाँ पर बहुत चढ़ाई चढ़ना पड़ता है। और ये है द हेडक्वार्टर्स ऑफ USTM। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, चेयरमैन का ऑफिस, चैंसलर का ऑफिस, फीस या एडमिशन लेस लेने का ऑफिस है यहाँ पर, इसको एडमिन बोलते हैं। बोला जाता है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह ऊपर से जाएगा हम अभी, ये इसके अंदर से और उधर से नहीं घुसेगा। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल जब सब मीटिंग करवाते हैं। ये देखिए क्या बना दिया, के कंट्रोल एग्जामिनेशन। चलिए नजर को ऐसे यहाँ से। जी और दी ब्लॉक एकदम कॉम्बाइन जैसे एक ही बिल्डिंग में है, उसको पीछे का कुछ ऐसा दिखता है नज़ारा। और हम लोग इधर से आने से ये बहुत चढ़ाई चढ़ना पड़ता, अभी ये जस्ट सीढ़ी चढ़ का है, फिर भी इतना थकान महसूस हो रहा है। ये है ब्लॉक डी। ब्लॉक डी में क्या क्या मिलते हैं यहाँ पर, हम लोग में कॉमर्स, फिजिक्स और कुछ कंप्यूटर वाले जो देख ही सकते हैं यहाँ पर। यह पार्किंग एरिया और यहाँ का यह रोड है APJ अब्दुल कलाम। आप लोगों को पता ही नहीं होगा यहाँ पर APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ चुका है यहाँ पर, इतना तक रिमिशंस टेलोजी में। यह पार्किंग एरिया और यह है ब्लॉक सी, सबसे बड़ा ब्लॉक, देखने में छोटा है लेकिन अंदर में बहुत बहुत बड़ा है। तो चलिए हम घुसते वहाँ तक इसको। अब यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस ऑफ थ्रू बाइसेंशियल एकेडमिक सेंटर। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इसको दूसरा स्टेप में यह है फिजिक्स।
ये है थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में फिजिक्स मिलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। ये है सबसे टॉप फ्लोर, छत के ऊपर में हम अभी। यहाँ का व्यू दिखा देते हैं छत से कैसे दिखते हैं यहाँ से, और आप लोगों को दिखा भी देगा कि यहाँ से कौन सा फ्लोर दिख जाए। ये है एमिनिटी, और उसके बस बाजू में है ना, बाजू में वो है अप्लाइड बायोलॉजी, जो कि मेरा डिपार्टमेंट है वहाँ पर, वहाँ पर मेरा डिपार्टमेंट है, वहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बोटानी, वह सब है, बीएससी और माइक्रोबायोलॉजी। और ये है कैंटीन, जो सामने वाला है वो है कैंटीन, कैंटीन वो उसको बोला जाता है एमिनिटी सेंटर। और मैंने देखा कि यहाँ पर यहाँ से मैंने आया, वहाँ से चढ़ के उधर तक जाना पड़ेगा, और वो है हॉस्टल ए। हॉस्टल ए में क्या होता है, जो ब्लॉसिंग में पढ़ते जो इंजीनियरिंग करते हैं वो उन लोग के लिए वो हॉस्टल ए। और आप लोगों को हॉस्टल बी भी दिखा देगा, हॉस्टल बी में है जो कि सारा यूज टाइम वाला है, ये सिर्फ रिस वालों के लिए जो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। आप लोग नज़र देख ही सकते यहाँ का ऊपर छत, छत से शुरू से शुरू दिखाते हैं आप लोग को, रुक यहाँ का नज़ारा, यहाँ का क्या क्या नज़ारा, कैसे व्यू कैसे है, ये देखिए कितना हरियाली है, पहाड़ हरियाली। और वहाँ पर एक दिल्ली पब्लिक स्कूल भी है जो कि काफ़ी बड़ा है, वहाँ से रोड था, मैंने वो गेट दिखाया था आप लोग को, कितना बड़ा बड़ा सिंटेक्स है। ऊपर से व्यू कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ से ऊपर 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 ऊपर। और ये है सेंट्रल ऑडिटोरियम जो कि नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा, हाँ अभी तक ले तो इसको ही बड़ा, हाँ सबसे बड़ा ऑडिटोरियम है, जो भी सेंट्रल प्रोग्राम होते सब होते तो यहाँ पर होते, तो हम लोग का प्रोग्राम यहाँ पर ही होगा। आप लोग को पास से जाके दिखाएगा बाद में। और ये देखिए व्यू, ये वो दो डिपार्टमेंट है वहाँ पर, दो ब्लॉक है वहाँ पर है जूलॉजी, यहाँ पर केमिस्ट्री, और बाकी बीए लोग का है सोशियोलॉजी वगैरह। और ये वो इसका ऑडिटोरियम के पीछे है ना, और जो वाइट बिल्डिंग दिख रहा है वो है गर्ल्स हॉस्टल। हाँ वो सब बाद में डिटेल में बता दी जाएगा जब मैं पास होते जाएगा उन लोग का। चलिए आप लोग को अभी हम लोग को रूम में जाके दिखाते हैं, हम कौन सा रूम में प्रैक्टिस करते हैं। प्लास्टिक नींबू पानी ब्रेकफास्ट। मिस्टर यवक कौन nice
बॉयज हॉस्टल ए हॉस्टल है इंजीनियर लोग के लिए और हम पहुंच गए हॉस्टल वी में। हॉस्टल वी में क्या क्या होता है, यहाँ पर हॉस्टल वी लोगों का एडवेंटर्स होता है कि यहाँ पर में बास्केटबॉल मिलते हैं, वॉलीबॉल मिलते हैं, सब पास पास में, और जिम जिम भी पास में है। तो यहाँ से हम पहुंच गए ब्लॉक के की तरफ, ये जो भी फिजियोथेरेपी और ब्लॉक के। यहाँ पर कुछ मज़ेदार होने वाला है, यहाँ पे इस पार्क में बहुत ही अच्छी अच्छी स्टैचूज देखने को मिलेगा आप लोग को यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर पहला हुआ है एलिफेंट, हाथी है, बहुत बड़ा बड़ा स्टैचू है, और यह सामने तो पूरा डायनासोर का जून है। यह है सोरस, सोरस लगता है इसका नाम पता है मुझे, शायद ऐसा लग रहा है सोरस सोरस, और उसका आगे में है टी-रेक्स। ये बहुत ही बड़ा है, हम जब जाएगा तो यह उसका पैर पैर तक ही पहुँचेगा शायद, ऐसा ऐसे दूर से इतना चौथा लग रहा है, लेकिन बहुत बहुत बड़े लोग देखिए यहाँ पर, ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर नाक प्रॉब्लम के लिए है ना, बहुत ही लगातार ओवर टाइम काम चल रहा है, रात भर पूरा ऑल टाइम चल रहे हैं। Of Tripura. Tripura with its exotic wildlife and natural beauty is an untouched gem that is rich with several Indo-linguistic tribes. The Gorya dance is performed to pray for good harvest to the god Gorya. चेंसलर्स ऑफिस, चेंसलर्स हॉल, गेस्ट हाउस भी है। ये कौन है, ये स्टेचू कौन है? ब्लॉक एच में क्या क्या होते हैं? डिपार्टमेंट केमिस्ट्री, आर्ट साइंस एंड मैथमेटिक्स। हाँ, यहाँ पर मैथमेटिक्स होते हैं। मौलाना आजाद ब्लॉक। अभी हम लोग को देखने मिल रहे हैं ब्लॉक जी। ब्लॉक जी में कौन सा डिपार्टमेंट? सोशल वर्क, सोशियोलॉजी और इंग्लिश। काफ़ी बड़े हैं हम लोग से ज़्यादा, हम लोग ब्लॉग ये है बहुत छोटा सा है, कोने में छुपा हुआ। जूलॉजी का कुछ अलग ही है उन लोग का, अगर तो उन लोग का वो एंट्री का फ्रंट पे फ्रंट देखेगा ना तो चौक जाएगा। वाटरफॉल भी है पूरा। हाँ चलो जाके देखते हैं। हाँ, नॉर्मल वाटरफॉल ब्लू कवर हम लोग के लिए। चलो कौन चलना चलते, चलो लगते हैं स्टॉल सब शुरू कर दिया गया। ये बाहर में कुछ लगेगा शायद स्टॉल का ही है। चलो मरो से खुले गया तीन थे के नोक है मैंने। हम लोग इंजीनियर बाबू, इसकर बाबू क्या बनाया बोलो? दोतरा खीरी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर मेन्यू। यस, सो व्हाट वी हैव हियर, वी हैव स्टिकी राइस फॉर 50 रुपीस, चिकन सैलेड फॉर 40 रुपीस, बैम्बू शूट 20, रोस्टेड फिश एंड चिकन। ओके, उसका प्राइस अवेलेबल नाउ, अभी अवेलेबल नहीं है तो साइड डिश में, डिशेस में देखते हैं। पानी पूरी है, कितने पीस? कितने पीस डिसाइड नहीं हुआ है, अभी तक बनाया नहीं हुआ है। खुल ही गया तो अभी तो डिसाइड कर लीजिए। तो नेपाली तिली भी मिलेगा,
कॉम्बो कॉम्बो में मोदी तो 50 रुपीज लगाए हम लोग के लिए डिस्काउंट किए हम तो मैको बड़े गई है 60% डिस्काउंट तो बनते है ठीक है हो जाएगा हो जाएगा अभी बनाओ तब तो बहुत भूख लगे कौन सा वो रिकमेंडेड है मस्जिदों में वही तो ये स्पेशल है ये 40 रुपीज का कौन सा ये नीला वाला नीला वाला और और ये येलो येलो कितने में तरह का मस्जिद ब्लू और व्हाइट और एक येलो वाला जो ये ब्लू वाला वो 40 रुपीज हाइजीनिक फूड मेरा वाला ये अच्छा अच्छा खाना तुम लोग खा के रिकमेंड करो हाँ अच्छा है कि पूरा और बन गई मुझे चखे और ये है चिकन सलाद चिकन सलाद और ये नेपाली कुछ नेपाली चिली है कुछ और एक कौन सा ये बोरा वाला खा पड़ी अच्छा अच्छा तम तम साझा खा सकड़ी लो सबसे बेस्ट बेस्ट सब बहुत दिस में बेस्ट रहना टॉम मोजन थोड़ा लिया टॉम मोजन थोड़ा लिया अच्छा अच्छा आ जाओ नाइस रन नाइस है थैंक यू एंड ओवर हियर बजिंग मूवी टू और चिकन और सलाद या और बंगाली और नेपाली देयर इज मैन इसको इसको क्या बोलते हैं इसको ये मोटर को तिल मोटर नेपाली डिश है नेपाली डिश है ना अच्छा 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 बढ़िया आसाम टेस्ट करके देखेगा उसके बाद बोलेगा इन लोग का रेटिंग कितना देगा देख लीजिए मेरा ऑर्डर आ चुका है और ये नेपाली नेपाली मटर है और उसके बाद इसके नीचे में चिकन का सलाद है और ये आवंग बांगे हम लोग का डिश है ट्रेडिशनल डिश एकदम फ्रेश में बनाए हुए पत्ता के साथ मिला हुआ है उसको खोल के दिखा पाया वेट नहीं कर पाया मैं खा लिया और एक है मुझे बहुत पसंद बहुत खास लगा खा के ट्राई करते हैं कभी मीठा मीठा टेस्ट आ रहा है यहाँ पर कोकोनट का जला हुआ है और बड़ा का जला हुआ है थोड़ा मीठा मीठा कॉम्बो टेस्ट लास्ट
अच्छा रिपोर्ट आपके क्या क्या पसंद है? क्या तो हम लोग तो हम लोग कौन उन्हें खाने आएंगे ना कुछ खाने आएंगे? हाँ दोनों खाए अभी तक और ट्राई करेगा और अच्छा है क्या क्या रिव्यू देगा कौन सा क्या क्या चीज पसंद है यार? चिकन सलाद तो बहुत अच्छा है चिकन सलाद तो भी अच्छा है और मैं खुद रिकमेंड करेगा तो वो खा नेपाली कुछ नेपाली मटर नेपाली तिल मटर हेलो ये तीनों में से एक तो एक ही प्राइस आएगा कॉम्बो में और कॉम्बो में ठीक है तो कॉम्बो प्राइस करना पड़ेगा हां फिर ट्यूसडे को है हां प्रॉब्लम नहीं है तो अभी ये रिव्यू कितना देगा रेट आउट ऑफ 1 आउट ऑफ 10 आउट ऑफ 10 आई विल गिव 9 वाओ यू गॉट अ गुड रिव्यू यू गॉट ओके थैंक यू रिफर प्लीज डू रिकमेंड टू अदर्स आल्सो सो वीरेश सर आपका तो मंगवाया यहां पर ये येलो वाला पिछला वाला मैं दिस इज द मोजिटोस बजिन मोजिटो ट्राई किया था क्योंकि ब्लू वाला है यस नहीं मिता थोड़ा सा ये था इसलिए दूसरा मंगवाना पड़ा था यस मिलने के लिए अभी ट्राई करेगा कैसे बट यू कैन गो फॉर द वन कॉम्बो इन कॉम्बो यू विल गेट बम्बू एंड दिस चिली मटर अच्छा बराबर है कैसे ये प्याज मिला था ये ऑरेंज वाला प्याज मिला था प्लीज मिला था ओए राहुल एक मेरे लिए भी बनाओ अभी मेरे लिए बनाओ मैं भी पिएगा एक बनाओ ओ भाई एक सिप में खत्म बनाओ हां बनाओ 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 कट वेलकम टू द न्यू जिम ओ वाओ सो वी कैन सी हियर द न्यू एसेंशियल थिंग्स द मशीन्स एंड द न्यू मशीन्स देखने को मिल रहे हैं साइकिलिंग देख सकते हैं अब लोग और ट्रैकमाल भी आ गया अभी तो लगता है यहाँ पर सिर्फ शूज से एंट्री होगा देखिए अब लोग अनबॉक्सिंग हो रहा है सब कुछ सर ने बोला कि ट्यूसडे से कुछ इंस्पेक्शन के लिए आएगा तो ट्यूसडे तक हो ही जाएगा शायद ये सब पूरा इसका काम पूरा रात भर चल रहा है तो इसका फील भी देखिए मतलब स्पेस देखिए कितना बड़ा है एकदम शायद ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे यूनिवर्सिटी का नॉर्थ ईस्ट यूनिवर्सिटी का जिसका भी जिम होता होगा इतना बड़ा तो नहीं होगा यही सबसे बड़ा लगता है मेरे तरफ से जितना तक मैंने देखा और सुना है और यहाँ पर बॉडी बिल्डर्स का भी पोस्टर लगा हुआ है हर जगह और वो मिडिल पार्ट में हम लोग का जिम ट्रेनर का फोटो नाइस एप्रिशिएटेड बहुत ही अच्छा है और अभी हम आ चुके हैं यह वॉलीबॉल कोर्ट में ये देख ही सकते हैं क्या है क्या बना दिया और उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा नीचे और मे भी ये इसका दे देगा नीलोट पॉल कलिता नीलोफोर कर देगा लिंक दे देगा उनको दिखाई दिया कि जिम कैसे है वैसे अभी इस कोर्ट को देखिए इस कोर्ट को कुछ नेक्स्ट लेवल है ये कोर्ट तो देखिए इतना बड़ा है ओ भाई साहब ये वॉलीबॉल कोर्ट है जेट जेट से हेलो क्या कहने इस वॉलीबॉल कोर्ट के बारे में बहुत मस्त है बहुत अच्छा काम किया जो सेंसर ने बोला वो करके दिखाया जिम भी इतना मल्टी कॉम्प्लेक्स का वाला है मानना पड़ेगा ए आसामिस ब्लॉगर ज्यादा मत बोलो वो क्या था डिपार्टमेंट कौन सा था मेरा अप्लाई बायोलॉजी नहीं अप्लाई बायोलॉजी में माइक्रो बायोलॉजी बोनस पॉइंट लो हाँ नॉक्ड आउट जो बोला है करके दिखाया जिम भी दिखा दिया जो कि नेक्स्ट लेवल का ये ब्लॉक ये कोर्ट है तो आज का
तो यहाँ पर ब्लॉग खत्म करते हैं, बाय। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah.